क्या कान के पर्दे में छेद का इलाज मेडिसिन से संभव है? यस दोस्तों, इज देयर ट्रीटमेंट ऑफ ईयर ड्रम परफोरेशन बाय मेडिकेशंस? बड़ा एक कॉमन सवाल है, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी कि बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। दोस्तों, जो आज का ये टॉपिक है बहुत कॉमन है, जिसको भी क्या है कि ईयर के ईयर ड्रम में होल होता है, प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं दिमाग के एक कोने में एक सवाल चलता रहता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमारी फितरत है, कोई भी सर्जिकल वर्क से हमें डर लगता है कि डॉक्टर साहब ये कोई दवाई से भी इसका इलाज संभव है। दोस्तों, इससे हमें अच्छे से जानना है। सबसे पहले तो हमारा ईयर ड्रम, जैसे आपको पता है कि हमारा जो आंतरिक जो ईयर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक पतली लेयर होती है टिश्यू की, जिसको हम ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, कान का पर्दा बोलते हैं। ये कान का पर्दा अंदर वाले जो पूरा सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब बहुत बार जाने अनजाने में दोस्तों इन्फेक्शन के कारण या ट्रॉमा के कारण क्या है, उसमें जब होल हो जाता है तो अब इसमें चालू होता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपका कान के पर्दे में आपका जो छेद है वो ट्रॉमा के कारण है, नंबर वन, कि जैसे आपको थप्पड़ मार दी, या आपको कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या आपको ईयरबड इंजरी हो गया, या कई बार क्या है सडन ब्लास्ट होता है, आप डीजे के सामने चले गए एंड या कोई हाई लेवल का ब्लास्ट हुआ है, हमारा कान का जो ईयर ड्रम है वो रैप्चर हो गया। दोस्तों, ये जो रैप्चर है वो मेडिसिन से संभव है, आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। बट आप मेरी बात ध्यान से सुनना, उसमें जो रैप्चर में जो ये होल है वो होल हमारा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आप ध्यान देना कि वो जो होल है, अगर हमारा टिम्पेनिंग मेम्ब्रेन को अगर हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं तो अगर वन क्वाड्रेंट एक चौथाई है तो वो आपका मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। उसमें आपको क्या है कुछ प्रिकॉशंस रखना है, जैसे कान के अंदर पानी नहीं जाने देना, जब भी आप नहाओगे तो रुई को नारियल या सरसों के तेल में डुबो के निचोड़ के कान में आपको डांट लगाना है, नंबर वन। नंबर दो, आपको कान के अंदर कोई भी दवा नहीं डालनी है, क्योंकि दोस्तों गांव में कस्बों में एक है कि कान में कोई भी दिक्कत है दवा डाल लो, आपने अगर दवा डाल ली तो आपका वो होल ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो जो है वो अंदर वाला जो ईयर है उसके अंदर वो दवा चली जाती है, आपको भयंकर जलन होगी, इसलिए आपको दवा नहीं डालनी है। नंबर तीन, दोस्तों आपको क्या है अपनी जुकाम, अगर आपको एलर्जी है तो उसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको अगर बार बार छींकें आएंगी तो हमारा जो कान का जो पर्दे में जो होल है उसमें जो चमड़ी उसको जो भर रही है वो बार बार टियर होती रहेगी। ये तीन चार चीजें तो महत्वपूर्ण हैं, एंड उसके साथ में कुछ जो है मेडिकेशंस हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ जो है हीलिंग एजेंट्स हैं, कुछ डिकंजेस्टेंट टेबलेट हैं, वो आपको डॉक्टर जो है वो निर्देशानुसार आपको वो होलो लेना होता है, एंड अमूमन जो है एक से डेढ़ महीने में वो होल भर जाता है। एक कैटेगरी। दूसरा, दोस्तों कई बार आपको जुकाम हो गया एंड जुकाम के कारण कान के पर्दे में आपका छेद हो गया, तो दोस्तों इसमें भी आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, वो आपको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है और उसके बाद में डॉक्टर को दिखाना है तो उसके जो है वो दवा के माध्यम से वो ठीक हो सकता है। दोस्तों, आपके कान के पर्दे के अंदर अगर हमारा तीन चौथाई छेद है, वो ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है, वो स्लैपिंग के कारण भी हो सकता है, वो और किसी कारण से भी हो सकता है, दोस्तों ऐसी कंडीशन के अंदर मेडिसिन से संभव नहीं होता है। हो सकता है कि आपका साल दो साल में होल भर जाए, लेकिन आपको मैं कभी एडवाइस नहीं देते कि भाई बेसिकली आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जितने दिन वो हमारा ईयर ड्रम में जो होल रहेगा वो हमारे कान की जो नर्व होती है, जो नाड़ी होती है, उसको वीक कर देता है, एंड उसके परिणाम स्वरूप आपको देखा आपने कई बार कान के अंदर सही 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 कान का बजना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। व्हेन एवर ए पर्सन हैव बी अलोन, यानी जब आप एकांत में बैठे होते हो तो उस कान के छेद के कारण जो है वो आपको जो है सही सही आवाज आने लग जाती है। ऐसे कई सारे जो है वो दुष्परिणाम जो है हमारे को उस छेद के कारण बाद में झेलने होते हैं, इसलिए हमारे को उसका क्या है प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। आप
आपकी जो प्रॉब्लम है, जहां पे एक अच्छा कंसल्टेंट है, ENT सर्जन है, उसको आपको दिखा के उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। डेफिनेटली एक कैटेगरी ऑफ जो पॉपुलेशन है जिसका इलाज कान के पर्दे के छेद का मेडिसिन से भी संभव है। सो देखा दोस्तों आपने कितनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड यंगस्टर्स, जिससे उनको प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम का इलाज करा सके। थैंक यू।